चलो न्यू चैप्टर चालू करते हैं हम लोग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं करना। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या हो गया? अब इसके आगे जो भी चैप्टर रहेंगे अपना सब मजेदार रहने वाला है। परम्यूटेशन ये अगले साल भी वही बताएगी मेरे को। अगले साल भी बोलेगी सर इलेवन तो रह गया तो रिवर्स करा के दूँ। चाय कॉफी थोड़ा कम पियो और लेक्चर में दिया है वो देख लो कभी तो। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक बार पहले अपन इंडेक्स पेज पे जाते हैं और नलायक को स्पेलिंग अच्छे से ठीक से लिखना, गड़बड़ मत करो। परम्यूटेशंस एंड कॉमन लिखो। ओके इफ आई टॉक अबाउट इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज मतलब तुम्हारा सिलेबस किधर गया? ठीक है क्या 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 हो चुका है अपना? वाह बेटा चार ही हुए। ध्यान दो, मैंने स्टार्टिंग से कुछ स्टार मार्क करके रखा था, दिख रहा है तुमको? 5 6 अभी स्टार मार्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है ना, 5 6 7 8 दिख रहा है? और मतलब मैं तुमको तभी बताया था, नहीं बताया तो भी जो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो 12 को आने वाला है। गया है हो गया। ध्यान दो, 5 6 7 8 जो चैप्टर रहेंगे ध्यान दो, उसका एडवांस वर्जन या फिर एटलीस्ट उसका यूज दोनों अगले साल में आने वाला है। कोरिलेशन का अगला उसका एडवांस स्टडी अगले साल आएगा। परमी कॉम में कोई चैप्टर नहीं आएगा फिर से, बट इट इज टू बी यूज इन मेनी अदर चैप्टर्स। उसका लॉजिक हर जगह यूज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का आएगा एज वेल एज लीनियर इक्वेशन आएगा। चैप्टर नंबर 9 टाइम पास है, वो तुम्हारा सेल्फ स्टडी पर रहेगा। उसका कॉलेज में भी पढ़ाते नहीं पढ़ाते भरोसा नहीं, कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसमें तुम्हारा क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस, वो टाइम पास है, जीएसटी वीएसटी है, एक बार पढ़ लेना, कॉलेज में जितना होता है उतना करो। अगले साल उसका कुछ संबंध भी नहीं है। तो कुछ कुछ कॉलेज उसको टैल भी देते करते भी नहीं हो। कमर्शियल मैथमेटिक्स जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपन करेंगे। हैव वी कवर्ड स्क्यूनेस ऑल्सो? स्क्यूनेस नहीं किया अपन ने। तुम्हारे कॉलेज वालों ने कुछ बताया है? नहीं है कॉलेज में हो गया। ओके फाइन, तो स्क्यूनेस भी कर लेंगे। इफ यू सी हार्डली कुछ पेजेस का चैप्टर है वो, 37 to 44 मान लो ना, हार्डली कुछ पेजेस का चैप्टर स्क्यूनेस, कुछ खास नहीं है वो, तो वो भी कर लेंगे। बट अभी जो बचता है मतलब अभी तुम्हारा दिसंबर मिड हो चुका है, तुम्हारा चलेगा कब एग्जाम्स? मार्च में जाएगा। ओके फेब एंड नहीं बट ठीक है मार्च में जाएगा। तो चैप्टर में 6 और जो 7 जो बचते हैं फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़े लेंथी भी है, तो उसको अपन थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, दैट इज मच बेटर। स्क्यूनस तुम्हारा 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। बट आई वॉन्ट टू गिव प्रायोरिटी टू 6 and 7 फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तुम सीए करो नहीं करो, सीए फाउंडेशन करो, जो भी रहेगा, बट तुमको हर जगह पे काम में आने वाला है। ओके सो परमिशन एंड कॉम्बिनेशन इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू यूज अ लॉट। रेडी? नहीं समझा क्या है? बैडमिंटन। ओके तो तभी रिकॉर्डेड देख लो फिर से, वरना लाइव वर्चुअल कर लो सुबह सुबह बैठ के। तुम्हारा स्टेट है कि नेशनल कर? स्टेट या नेशनल्स? ऐसे नजर मत लगाया करो ये भाई क्या है इसका एक बार। ओके ध्यान देना, पे अटेंशन सब लोग ध्यान दो। वो गया तो बताओ मेरे को, मुझे कब का डर लग रहा है गया करके स्क्रीन। एनीवेज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमको कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा प्रैक्टिकली ऑल्सो, और यू यूज इट ऑल्सो ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन योर फोन। ओके गया नहीं ना? लगता है कभी कभी, हाँ ऐसे लगता है मिरर रखो यहाँ पे। एनीवेज
You use on a phone also permutations as well as combinations. Right from starting, अभी तुम्हारा face ID है, फोन पे अलग बात है, पर face ID जब काम नहीं करता है, thumbprint काम नहीं करता, we put some pin code. It can be 4-digit, it can be 6-digit, it can be more or less, कुछ भी रहेगा, है ना? Then तुम्हारा suitcase रहेगा, अगर suitcase उसके ऊपर number लगाता है, कभी school का bike कभी use किया रहेगा, bike का तुम्हारा फिर से number लगाता है, correct? Then तुम्हारा ATM pin रहेगा, कभी खुद का नहीं ATM but घर वालों का कार्ड यूज किया रहेगा कभी जानबूझ के, है ना? है ना? पूछे नहीं तेरे को. ओके राइट डिलियो. तो वहां पर भी हम लोग अलग अलग सीक्वेंस यूज करते हैं. ओके अब ध्यान देना, तेरा 8383 है ना? हाँ सर. नहीं ठीक है, बट इसका चलो नंबर तो रिपीट हो रहा है, ठीक है? बट अगर ध्यान दो, ध्यान दो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैंने तुमको बताया भी, अगर किसी का एटीएम पिन या फोन पिन कुछ भी रहेगा 6380 एग्जांपल के लिए, ये चार डिजिट्स है. मैंने ऐसा नहीं बोला कि 6380 है, मैंने क्या बोला कि पिन में ये चार डिजिट्स है 6380. यस लियो, तुमको मैं हिंट दे रहा हूं. कितने तुम्हारे टोटल डिजिट्स रहते हैं फ्रॉम 0 to 9? कितने डिजिट्स होते हैं? 0 to 9 डिजिट अगर है इंक्लूडिंग 0, तो तुम्हारे 10 डिजिट्स हुए. 10 नंबर की बात नहीं, 10 इज अ नंबर, इज अ डबल डिजिट नंबर. अगर मैं सिंगल डिजिट्स की बात करूं, तुम क्या पिन में थोड़े 10 डालते हो, तुम एक तो 0 डालोगे या 1 या फिर 1 या फिर 0 डालोगे ना, तो डिजिट्स है 0 to 9 डिजिट्स की बात कर रहा हूं. तो 0 to 9 तेरा 10 डिजिट्स बराबर है. तो मैंने बोला किसी का पिन अपने को गैस करना है, एंड ये भी बता रहा हूँ कि इसमें 4 डिजिट का ही पिन है. ओके डिलीवर. अब उसके आगे और बता रहा हूँ कि तुम्हारे 4 डिजिट्स ये है 6380, और तुमने बोला कि गैस करना है अपने को, तो कितने गैसेस लगेंगे? दैट कैन बी अ क्वेश्चन. हाँ है ना, कितने गैसेस लगेंगे? कुछ समझ रहा कि नहीं समझ रहा? व्हाट डू यू थिंक, कितने लगेंगे? बहुत सारे मतलब, फिर भी 12 24 Now just try to one. अपन इसको कर सकते हैं. हाँ ओके, लेट सी दैट चलेगा. अब ध्यान दो, जस्ट पे अटेंशन, विल जस्ट सी दैट कैसे करेंगे इसको. ओके कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या फिलहाल? तो है नहीं ना, तो अगर रिपीट हो तो इजी पड़ता है ना, बट रिपीट भी नहीं हो रहा है और अपने पास 4 जगह है. यस क्लियर, 4 जगह है ना, मुझको डालना है वो पिन डालना है 4 नंबर का, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है. यस क्लियर, ध्यान. सो लेट अस से इफ एट ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिजिट. यस क्लियर, अरे हाँ ना, मुझको चालू करना है गैस करना, तो चालू करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है गैस करने के लिए? अभी सामने देख के रखा है ना 6380, मैंने बोल के रखा है तुमको कि 6380 यूज होने वाला है. क्वेश्चन समझ रहा है मेरा? एवरीबॉडी विद अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है? अपने पास मुझे गैस करना है 6380 है, बट इज 6380 मे नॉट बी द एक्चुअल कॉम्बिनेशन. ठीक है, बस इन चारों डिजिट में से कुछ ना कुछ, इट कैन बी 3608 ऑल्सो, अपने को नहीं पता. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये 4 डिजिट से तुम्हारा कितने कितने कोड्स बन सकते हैं. तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, ओके क्लियर, तो मेरे पास कितने डिजिट है बच्चों? 4 है. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑर नो? मैंने तुमको ऑप्शन उतना ही देकर रखा है ना फिलहाल तो. हाँ है ना, तो मेरे पास बच्चों कितने ऑप्शंस है? ऑप्शंस 4. तो समझा कि नहीं समझा? यस चलियो. अब मान लो मैंने उसमें से कोई ना कोई चूज कर लिया. यस कुछ भी रहेगा. अब सेकेंड प्लेस के लिए मेरे पास कितने बच्चों ऑप्शन बच जाते हैं? हाँ कोई, क्योंकि कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं. आर यू करेक्ट? आर यू गेटिंग क्लियर? अब मैंने 2 नंबर चूज कर लिए, तो थर्ड प्लेस के लिए, थर्ड डिजिट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? ऑप्शन 2 ऑप्शन बचे. अरे हाँ या ना. और बच्चों लास्ट जगह के लिए कुछ ऑप्शन बचता है क्या? मेरे पास 1 ही ऑप्शन बचता है, कोई ना कोई. यस चलियो एवरीबॉडी, ओके कुछ समझा कि नहीं समझा था? यस चलियो. तो अगर मुझको गैसेस करने रहे एज सच, तो मेरे फर्स्ट डिजिट के लिए 4 गैसेस, सेकंड डिजिट के लिए 3 गैसेस, थर्ड डिजिट के लिए 2 गैसेस, और लास्ट डिजिट के लिए 1 ही गैस रहेगा, बच जाएगा, क्योंकि कोई नंबर भी बच्चे रिपीट हो नहीं रहा है. अंडरस्टूड योर एवरीबॉडी? यस चलियो. नाउ डू आई हैव ऑप्शन कि मैं बस 1 डिजिट डालू मेरा पिन कोड खुल जाएगा? मुझको चारों डालने पड़ेंगे कि नहीं? So I have to insert digit number 1 and digit number 2 and digit number 3 as well as बच्चों and
डिजिट नंबर 4, मतलब मेरे कहने की बात है कि मैंने बस दो डिजिट डाले तो वो पिन कोड खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा. सो आई हैव टू पुट डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4. समझ रहे कि नहीं सभी को? यस सिलियो. तो जहां जहां जनरली हम लोग एंड यूज करते हैं, जस्ट ट्राई टू सेट, जहां जहां हम लोग एंड यूज करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इट इज, ऑप्शन या फिर कंपल्सरी? ऑप्शन या कंपल्शन? व्हाट डू यू थिंक? कंपल्शन. हाँ या ना बच्चों? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जहां जहां अब जहां ध्यान देना, जहां जहां अभी तुमको कभी आएगा कंपल्सरी, ओके एवरीबॉडी, वहां हम सिंपली मैथमेटिकली उसको करते हैं मल्टीप्लाई. क्या करते बच्चों हम लोग? मल्टीप्लाई को समझा कि नहीं समझा? समझा नहीं समझा? अरे हाँ ना, रुक ना मेरी. तो जहां जहां मैंने क्या बोला बच्चों, तुम एक कोई ना, ये एक एक्सपेरिमेंट ही है स्कूल में, क्या कहते हैं बच्चों, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट है, दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फोर डिजिट कॉम्बिनेशन. क्लियर क्लियर? तो जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो चार नंबर डालना कंपल्सरी है, डिजिट नंबर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4. तो जहां जहां कंपल्सन आता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उन ऑप्शंस को. ओके क्लियर? तो व्हाट डू आई से, चार ऑप्शंस है बराबर. सो 4 × 3 × 2 × 1, कुछ समझा यहाँ पे? ऑप्शंस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास कितने कितने ऑप्शंस है. तो 4 × 3 = 12, एंड 12 इज 24, मतलब चार डिजिट्स के बच्चों मेरे कितने कॉम्बिनेशन ओवरऑल बनते हैं? 24. कुछ समझा कि नहीं? तो अगर तुम ये टाइम पास करोगे, मतलब वॉट एवर, कैन यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अगेन टाइम पास, 6380 के आपको अपन 24 लिखेंगे? नहीं, चलो मान लो विल नॉट राइट ऑल द 24 कॉम्बिनेशंस. ओके एवरीबॉडी, बट पॉसिबल तो है. कैन यू गिव मी समथिंग बच्चों? लेट अस से स्टार्टिंग फ्रॉम 6 6380 6308 चलेगा आगे. मेरे को चलो 6 के बताओ, फिर 6 और 8 को फ्रीज करते, चलेगा 6803 6830 चलेगा. अपन ने बच्चों रुको, सेकंड डिजिट पे 3 फ्रीज कर लिया, सेकंड डिजिट पे 8 फ्रीज कर लिया, अब सेकंड डिजिट पे सब लोग कमान, सेकंड डिजिट पे क्या किसको फिक्स करेंगे? 0 करें. हाँ 6038 60. हाँ या ना? अब बच्चों स्टार्टिंग विद 6 वाले कितने हो गए चेक करो, 1 2 3 4 5 6. सेम लॉजिक बच्चों विल बी फॉर स्टार्टिंग विद 3. मेरी बात समझ रही है कि नहीं समझ रही है? सेम बच्चों सेट आएगा, काइंड ऑफ सेट, सेम सेट ऑफ रूल्स वगैरह आएंगे फॉर अ कोड स्टार्टिंग विद 3. कुछ समझा कि नहीं समझा? समझ रहे सभी को? करना तो चलो लिख देता हूं मैं, 3 6 8 0, देन 3 6 0 8 बराबर है. अब 3 8 0 6 3 8 6 0 बराबर है. 6 को फ्रीज कर लिया सेकंड पे, 8 को फ्रीज कर लिया, अब कौन बचा? 0 बचा. वेरी गुड, 3 0 8 6 and 3 0 6 8. समझा कि नहीं? तो ये बच्चे दिया स्टार्टिंग विद 3 वाले, कितने हो गए वो भी? 6. अंडरस्टैंड नाउ, स्टार्टिंग विद बच्चों 8 कितने रहेंगे? 6. एंड स्टार्टिंग विद 0 कितने रहेंगे? 6. हर जगह पे 6 ही रहेंगे ना? अरे समझ रहे कि नहीं? पढ़ते हैं पक्को? तो ये भी तुम्हारे 6 आए स्टार्टिंग विद 6, ये तुम्हारे 6 आए स्टार्टिंग विद 3, स्टार्टिंग विद 8 कितने नंबर्स है? 6. एंड स्टार्टिंग विद 0 भी कितने तुम्हारे नंबर्स है? 6. आ रहे क्या 24? कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एवरीवन ओके टेल योर. तो ये तो तुम्हारे पास सिंपल तुमको बताया फिलहाल कि दिस इज जस्ट कि तुम्हारे जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल करते हो एटीएम वगैरह, फिर कोई भी चार डिजिट का कोड बनाते हो, तो देयर कैन बी 24 थिंग्स. ओके नाउ लेट अस ट्राई. तुम्हारे फोन पे कितना, 6 डिजिट का है 8 डिजिट का है? 4 का ही है, तो 24. हाँ है ना? इसलिए कभी कभी फोन पे आ जाएगी 10 10, क्या 10 कोड डाले तो डायरेक्ट फोन डिलीट. हाँ तो कुछ आता सेटिंग, या फिर 3 आया, या फिर कभी कभी होता है कुछ कुछ फोन पे कि तुमने 4 5 गलत कर दिए, 10 मिनट रुको, और 2 3 गलत कर लिया, आधा घंटा रुको, शायद वैसे भी सिक्योरिटी कुछ ना कुछ आता है. हाँ या ना? ओके लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड. हाँ मेरे फोन में देखो एंड्रॉइड में नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है.
तो बढ़ते जाता है ब्रो, नहीं 20 हमेशा 20 क्या? अच्छा हाँ, अच्छा बैकअप भी जाता है। ओके ध्यान दो, अगर वन डिजिट कोड है, मैंने क्या बोला बच्चों, वन डिजिट कोड, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 हमेशा, तो कितने गैसेस लगेंगे मुझको? गैसेस 10 गैसेस लगेंगे बस, अरे हाँ या ना। ओके एवरीबॉडी आप ध्यान देना, पर अगर दो डिजिट कोड है, ओके एंड इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला बच्चों, एंड इंपॉर्टेंट, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, आप तुम बोलोगे सर कितने कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, की चीज है, ध्यान देना। अब दो डिजिट्स है हाँ या ना, देर कैन बी टू केसेस, क्या केस बच्चों हो सकता है? द डिजिट इज या फिर कोड इज 1177, मतलब क्या बच्चों, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिपीटेशन है, करेक्ट एवरीबॉडी? या फिर तुमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, कुछ भी रहेगा, 1331 कुछ भी रहेगा, हाँ या ना, तो रिपीटेशन। अब जिनका 22nd को बर्थडे उनका नंबर रिपीट होगा, 11 को ऑल्सो, 11 22 हो गया, 33 कुछ नहीं रहता है, आया ना, या फिर नो रिपीटेशन, आया ना। जस्ट बहुत सिंपल लॉजिक में तुमको पूछ रहा हूं, अगर रिपीटेशन है मतलब पॉसिबल की बात है ना, पॉसिबल, तो वहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब अगर रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, तो नंबर ऑफ केसेस भी बच्चों लो, आया ना, मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई डिजिट है, दो डिजिट है ना तुम्हारा कोड, ओके मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, यहाँ पे तुम्हारा 7 है हाँ या ना, तो अगर मैं कहता हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या फिर से यहाँ पे 7 आ सकता है क्या? नहीं ना, तो मेरे ओवरऑल बच्चों मतलब क्या बोलते हैं, मैं उसको कहूंगा कि मेरे ऑप्शन कम हो गए ना, मेरे ऑप्शन बच्चों कम हो गए, बट अगर रिपीटेशन है तो फिर से यहाँ पे 7 भी मिलेगा, मतलब मेरे पास ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा है। ओके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो आई विल नॉट कॉम्प्लिकेटेड मच। तो हमने को दो डिजिट का नंबर बच्चों बनाना है विदाउट रिपीटेशन, इज इट ओके? नाउ हाउ कैन वी डू दैट? अगेन अंडरस्टैंड, मेरे पास पहले पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस हैं? ऑल ऑफ यू 10 ऑप्शंस हैं, 10 हमेशा बच्चों 10 कैसे 10? 10 नंबर नहीं रे बाबा, 10 डिजिट 0 से 9, अरे हाँ बोलो, हाँ हाँ क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके ध्यान देना, रिपीटेशन बोल रहे कि अपन कर रहे हैं कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, चलेगा वाके, तो एक कोई अपन नंबर उधर डाल दिया। अब सेकंड पोजीशन पे बच्चों मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? सेकंड डिजिट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 9, उनको दोनों डिजिट डालना है ना, डिजिट नंबर 1 एंड डिजिट नंबर 2, एंड किया तो क्या करते हैं? तो बच्चों वेन अ सिंपल एग्जांपल, अगर हमको दो डिजिट का कोड करना है विदाउट रिपीटेशन, तो कितने कोड्स बनते हैं? 90 कोड्स बनते हैं, समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो बच्चों, क्लियर? और वही चीज मान लो, पे अटेंशन, फिर से दो डिजिट कोड बट विद रिपीटेशन, अरे हाँ ध्यान दो, प्ले अटेंशन, तो पहले डिजिट के लिए बच्चों मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 9, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, फिर से 10 है मेरे पास, कोई डिजिट अपन ने बच्चों डाल दिया, कोई भी डिजिट अपन ने डाल दिया, इज दैट सेम डिजिट अलाउड और नॉट अलाउड इन सेकंड डिजिट? दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेशन अलाउड है, तो मेरे पास क्या अभी भी 10 ऑप्शन है क्या? अभी भी 10 ऑप्शन है मेरे पास, 100 कोड्स बनेंगे, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो एक तो कॉमन सेंस, रिपीटेशन वाले नंबर्स ज्यादा रहेंगे, विदाउट रिपीटेशन वाले नंबर्स कम रहेंगे, एकदम सिंपल क्लियर? यस, ध्यान दो, ध्यान दो, मैं गया तो बच्चों दिल्ली, तो दिल्ली से मुझको फ्लाइट, मतलब फिर से बस पकड़ना पड़ता है, चलो अपन मैं गया था बच्चों दिल्ली को फ्लाइट से, ठीक है, पुणे इधर, चलो तुम क्यों नहीं आया? अच्छा दिल्ली से पुणे पॉसिबल है क्या? दिल्ली से पुणे कौन बस से आता है? ट्रेन, ठीक है ट्रेन पॉसिबल है, पर आप इधर है, हाँ ठीक है रहने दे। ओके जस्ट एग्जांपल सुनो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पुणे टू दिल्ली बच्चों, ओके
फ्लाइट नंबर वन, फ्लाइट नंबर टू एंड फ्लाइट नंबर थ्री. मतलब क्या, मेरे पास बच्चों तीन ऑप्शन है, मान लो तीन अलग अलग कंपनीज के मानना, तो तीन अलग अलग कंपनीज के मान लेंगे, इंडिगो कुछ भी रहेगा, विस्टारा विस्टारा कुछ भी रहेगा. ओके ओके एवरीबॉडी. और बच्चों मान लो ये तुम्हारा फ्लाइट हो गया, बट अभी दिल्ली टू कसौल, ओके एक जगह है रे बाबा, ओके उप्स आ गया क्या. हाँ एंड बस नंबर टू. ओके एवरीबॉडी कुछ क्वेश्चन समझे तुमको कि हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव टू रीच दिल्ली. थ्री ऑप्शंस आई हैव टू रीच दिल्ली, हाँ है ना. एंड हाउ मेनी ऑप्शंस फ्रॉम दिल्ली टू कसौल आई हैव टू रीच. टू ऑप्शंस मेरे पास है. विल आई टेक बच्चों ऑल द थ्री फ्लाइट्स टुगेदर. विल आई टेक टू फ्लाइट्स टुगेदर. विल आई टेक बच्चों टू बसेस टुगेदर, हाँ है ना. एक में मैं आ रहा हूँ और एक में सामान आ रहा है. हाँ आधा पैर उधर आधा पैर उधर, ऐसे तो पॉसिबल है क्या. नहीं ना. अब मैं अजय देव बोलू क्या ऐसा करने के लिए. ओके एवरीबॉडी सो अंडरस्टैंड ना, अंडरस्टैंड पुणे तो मेरे को किधर जाना है, कसौल जाना है मान लो. हाँ. आना भी रिटर्न अलग बात है, बट अभी फिलहाल बस जाने की बात कर. सो जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट. ओके पुणे टू दिल्ली एंड दिल्ली टू कसौल चलेगा. ओके ओके तो यहाँ पे पुणे टू दिल्ली को जाना ही जाना है, दैट इज फर्स्ट जर्नी. एंड दिल्ली टू कसौल वहां पे मैं एंड लिखूंगा या और लिखूंगा. एंड अगर मेरे को पुणे टू कसौल जाना है तो इट इज पुणे टू दिल्ली एंड पुणे टू कसौल, सॉरी क्या दिल्ली टू कसौल. हाय एंड डू आई हैव एन ऑप्शन, डू आई हैव एन ऑप्शन यहाँ पे. वहां पे बच्चों मेरे पास ऑप्शन नहीं है, समझा कि नहीं. ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो अभी. यस क्लियर, याद है समझा. ओके बट बच्चों डू आई हैव ऑप्शंस बिटवीन पुणे टू दिल्ली. आई हैव थ्री ऑप्शंस, ऑप्शंस है मेरे पास. फ्लाइट नंबर वन एंड फ्लाइट नंबर टू एंड फ्लाइट नंबर थ्री से मैं जर्नी करूंगा क्या. विल आई डू जर्नी बिटवीन पुणे टू दिल्ली विद फ्लाइट नंबर वन एंड फ्लाइट नंबर टू एंड फ्लाइट नंबर थ्री. पुणे टू दिल्ली बच्चों फ्लाइट नंबर वन और फ्लाइट नंबर टू और फ्लाइट नंबर थ्री. यहां तो समझ रहे सभी को. एंड वॉट अबाउट दिल्ली टू पुणे, दिल्ली टू कसौल. फिर से ऑप्शन है या नहीं है. अब ये ऑप्शन है, कंपल्शन है, ऑप्शन है. बस नंबर वन एंड बस नंबर टू, बस नंबर वन और बस नंबर टू. कुछ समझा कि नहीं. सिंपल क्वेश्चन तुमको पूछता हूं मैं, मतलब इन जनरल अगर मुझको प्लान करना था स्टार्टिंग से पुणे टू कसौल पहुंचने के लिए कितने तरीके मेरे पास. अंडरस्टैंड, फ्लाइट नंबर वन एंड बस नंबर वन, फ्लाइट नंबर वन एंड बस नंबर टू, फ्लाइट नंबर टू एंड फ्लाइट नंबर टू एंड बस नंबर वन, फ्लाइट नंबर टू एंड बस नंबर टू, फ्लाइट नंबर थ्री एंड बस नंबर वन, फ्लाइट नंबर थ्री एंड बस नंबर टू. अरे हाँ या ना. टोटल बच्चों अपने पास छह ऑप्शन थे टू कवर द जर्नी. अरे हाँ या ना. क्लियर टू क्लियर. ओके पर नहीं है फ्लाइट, पर अगर और लिखा मतलब बच्चों क्या ऑप्शन. और बच्चों जहां जहां भी ऑप्शन आता है मैथमेटिकली वहां पे बच्चों हम लोग करते हैं उसको. ओके एवरीबॉडी जस्ट अंडरस्टैंड, पुणे टू दिल्ली एंड तो जाना ही जाना ना, पर मेरे को मतलब पुणे टू दिल्ली आई हैव टू गो एंड आई हैव टू गो फ्रॉम दिल्ली टू कसौल. जब एंड है तो मल्टीप्लाई होना ही होना है. यस क्लियर. बट अंडरस्टैंड पुणे टू दिल्ली में मेरे पास कितने ऑप्शन थे, तीन ऑप्शन थे ना, ऑप्शन थे ना. अरे हाँ या ना. तो थ्री ऑप्शन, सो वन ऑप्शन प्लस सेकंड ऑप्शन प्लस थर्ड ऑप्शन, टोटल है थ्री ऑप्शन बराबर. एंड के लिए हम लोग क्या करते बच्चों मल्टीप्लाई. एंड दिल्ली टू कसौल मेरे पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है. कुछ समझा कि नहीं. देयर आर सिक्स ऑप्शंस और सिक्स कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो एवरीबॉडी. आई हैव बच्चों सिक्स वेज ऑफ रीचिंग फ्रॉम पुणे टू कसौल. यस क्लियर एवरीबॉडी. ऐसे सम से तो बस तुम्हारे बस चालू करने के लिए, बट ये मजा है ना आगे बढ़ा. ये बस हाँ ये तो बस ट्रेलर है रे बाबा.
आप एक्चुअल में देखोगे अगर ध्यान देना पुणे टू दिल्ली दिन भर में कम से कम 15 से 20 फ्लाइट रहेंगे, कम से कम, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 20 पकड़ लो एवरी डे पुणे टू दिल्ली, बच्चों कम से कम 20 फ्लाइट सुबह सुबह, मतलब रात के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक कम से कम रहेंगे, कम से कम। और दिल्ली टू कसौल भी शायद मान लो 10 बसेस रहेंगे, रेड बस पता है ना, तो यू नीड टू चेक, मतलब वो टाइम पास बोल रहा हूँ मैं तुमको, बट वट एवर बिटवीन टू लोकेशन इन द एंटायर डे यू विल गेट अराउंड 2 बसेस। यस क्लियर? तो ये तो प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखेंगे तो 20 × 10 वगैरह 200 ऑप्शन रहेंगे अपने पास लोगों को चूज करने के लिए। तो विच इज द बेस्ट मेथड या फिर बेस्ट तरीका, फिर टाइम के हिसाब से तुमको जाना है, सो देयर कैन बी वेरियस वेरियस ऑप्शन। तो हमको ढूंढना है कि अपने पास कितने बेसिकली ऑप्शंस यहाँ पे है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तुम बच्चे जब भी मान लो क्लासेस को भी आते हो, यू हैव कपल ऑफ ऑप्शंस कि कौन सा बस पकड़ना है, कितने बसेस मेरे पास है, तो उसके आगे ये पुणे का तो छोड़ दो, पुणे इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू लिव इन, ओके। मुंबई की बात कर, इंसान घर से उठता है, निकलता है, ओके, वॉक करके रिक्शा स्टॉप पे जाता है, शेयरिंग रिक्शा, फिर शेयरिंग रिक्शा से बच्चे लोग जाता है लोकल स्टेशन पे, करेक्ट, क्लियर, लोकल स्टेशन से जर्नी कर रहा है, लोकल स्टेशन पे उतरा तो वहां से उसको बस पकड़ना पड़ता है उसके ऑफिस तक, और उसके ऑफिस के आगे फिर से उसको वॉकिंग करना पड़ता है। ये तो हो गया बच्चे बस पहुंचने के लिए, और आने के लिए फिर से अलग, उसको रिक्शा कौन सी मिलेगी पता नहीं, लोकल कौन सी मिलेगी पता नहीं, लोकल के बस कौन सी मिलेगी पता नहीं, तो उसके इनफैक्ट दिन भर में उसके कितने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इवन यू एंटर योर स्कूल या कॉलेज, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, फ्लोर नंबर 1 पे बच्चे जाने के लिए लेफ्ट से एक रोड है, राइट से भी एक रोड है, इधर हंस रही देखो, उसे याद आ रहा है इसको, याद है इसको, इधर नहीं मिलते उधर मिलते है ना। इधर इधर भीड़ कम रहता है उधर मिलता है है ना। बट ऑब्वियसली देयर कैन बी केसेस इन हाउ मेनी वेज वी कैन रीच कॉलेज, है कि नहीं, गेट नंबर 1, फिर फ्लोर नंबर 1 पे पहुंचेंगे, दो फिर से दो दरवाजे, फिर तुम्हारे क्लासरूम के लिए बच्चे पहुंचेंगे, फिर से दो दरवाजे, आगे का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, कुछ भी रहेगा, व्हाटएवर इट कैन बी। सो ऑब्वियसली देन वी नीड टू नो इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर थिंग इज पॉसिबल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, तुमको बहुत सारी चीजें बच्चों करनी है। लेट्स राइट डाउन सर्टेन थिंग्स, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, चलेगा? अरे बोलो हाँ, एग्जैक्टली, अगेन अ गुड एग्जाम्पल, ओके, व्हाट टू वेयर, गुड एग्जाम्पल, यू चेक योर कलर कॉम्बिनेशन, ऐसा तुम येलो और रेड पहनते हो क्या, येलो विद रेड पहनोगे गोविंदा हो गया, है ना, येलो चलेगा, बट येलो विद मे बी ब्लैक और येलो मे बी विद व्हाइट, आई डोंट नो, जो भी कॉम्बिनेशन उस लड़के को अच्छा समझता है, ओके, बट बेसिकली यू हैव बच्चो, लेट अस से 5 टी शर्ट्स एंड यू बच्चो 5 जीन्स, पहली बात तो हंसो मत नलायक को, आई होप यहाँ पे और नहीं लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे एंड लिखोगे, हाँ है ना, ओके, सो तो तुम बेसिक कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 25 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 5 × 5 रोज अलग चेंज करोगे, अच्छा घर पे ऐसा बोलती हो क्या, एक महीना भी नहीं चलेगा, संडे को भी तेरे को पहनने का अलग, तेरे को पर संडे को जो पहनने की कॉलेज में नहीं पहनने का, लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती है, बहुत कॉन्शियस, ये अगर तुम्हारे नंबर ऑफ मतलब जो भी ड्रेसेस कपड़े है और मैं कोई भी लड़के का उठाऊ, कोई भी लड़के का, तेरा ज्यादा रहेगा इंक्लूडिंग शूज, कितने शूज है पता, और बाकी कुछ भी नहीं, हाँ आजकल लड़के भी बहुत सारे स्नीकर्स पहनते हैं आजकल, राइट, एनीवेज यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, तो जो ऑप्शन है ध्यान देना, पे अटेंशन, जो ऑप्शन है उसको हम ऐड करते हैं,
मतलब वन टी शर्ट प्लस वन टी शर्ट प्लस वन टी शर्ट ऐसे पांच हो गए एंड लेट अस से पांच जींस है तो ऑप्शन को हम लोगों ने ऐड किया बट व्हेन यू वांट बोथ ऑफ देम टुगेदर ऑप्शन नहीं है जींस एंड टी शर्ट ऑब्वियसली तो दो तीन जो भी रहेगा एंड शूज अगर मैं मान लू चलो वो भी कर लेते हैं एंड थ्री शूज सॉरी लड़कियों बहुत कम बोल दिया मैंने है ना ओके एंड थ्री शूज तो नाउ हाउ मेनी आउटफिट्स यू कैन मेक समझा कि नहीं समझा फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री 25 to 75 और लड़कियों के लिए ऑप्शन कम इयर रिंग्स फिर से और दो चार पांच ऑप्शन है ना तो यू कैन मेक बच्चों लॉट्स ऑफ दो चार बहुत कम बोल दी हमने बोल रहा हूँ नहीं सॉरी भूल गया मैं और दो चीज भूल गया एंड फोर पर्सेस इंटू फोर 200 ऑप्शन माफ कसम तुम खुद का एक मतलब ब्रांड ही खोल लोगे तो पूरा शॉप ही खोल लोगे है ना आई थिंक देयर आर दीस डेज एप्स आल्सो एप्स भी आते हैं आउटफिट सेलेक्ट करने के या फिर आउटफिट आउटफिट और कॉम्बिनेशन बनाने के एनीवेज किधर किधर डिस्कशन जा रहा है अपना ओके I did not even go into, okay, into. लिखू क्या? लिखू क्या? देखो रेड और मजेंटा में फर्क नहीं समझेगा उनको समझेगा okay? छोड़ो मतलब basically ऐसे बट चीजें हैं एनीवेज ओके टेल यू तो हम ऐड कब करते हैं एडिशन कब करते हैं क्या बोला मैंने अब तक ऑप्शन है तब ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं जब कंपलसरी है एंड है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी गेट बच्चों आवर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यस क्लियर ठीक है अब ध्यान देना तुम्हारी क्रिकेट टीम है अपनी इंडिया की रहेगी कुछ भी रहेगा तो ओवरऑल प्लेइंग प्लेयर्स मतलब मैं ऑन फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं टीम में जब सिलेक्ट होते हैं कितने लोग मुझको नहीं पता मैं बस पूछ रहा हूँ 15-16 कुछ रहेंगे 16 पकड़ लो ना हायर साइड 16 एक्टिव प्लेयर जो टीम में सिलेक्ट हुए हैं वो 16 लोग तो खेलते हैं नहीं वो अलग बात है हाँ या ना 11 खेलते शायद तुमको क्रिकेट का पता रहेगा यस एवरीबॉडी ओके अभी मैं 16 लोगों का नाम नहीं लिखूंगा बट 16 लोग है यस देयर ऑब्वियसली बच्चों कैन बी अ क्वेश्चन कि प्लेइंग 11 कुछ समझ रहे क्या प्लेइंग 11 समझा जो 11 लोग खेलने वाले हैं ना 11 लोगों की टीम करेक्ट कितने टीम्स बन सकते हैं कुछ कभी सोचा कि नहीं मतलब क्वेश्चन समझ रहे क्या कितने टीम्स टोटल बन सकते हैं वेयर वी हैव हाउ मेनी प्लेयर्स 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 16 प्लेयर्स कुछ समझा कि नहीं समझा ऑब्वियसली आंसर बहुत बड़ा उसको टेंशन मत लो तुम आंसर इज वेरी 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 बिग अब मतलब ए बी सी डी अगर करते गए अपन बच्चों क्योंकि मैं प्लेयर्स का नाम भी कहूंगा तो मेरे को कुछ का नहीं पता बट 16 मतलब कौन सा डिजिट आता है हाँ डिजिट आता है अल्फाबेट में कुछ पता है क्या 9 पे आई आता है एच आई एच आई जे 10th आ गया पक्का कुछ भी दिखती है 26 तक होता है मेरे को 16 वाला चाहिए करो मतलब दिमाग हाँ हाँ ठीक है पक्का है ना घर अब बच्चों ए टू पी की बात कर रहा हूं मैं यस क्लियर ये तुम्हारे कितने 16 हो गए और 11 का आई 9th ना आई आई जे के बराबर क्या 11वां डिजिट तुम्हारा 11वां नंबर मतलब अल्फाबेटिकली क्या आएगा बच्चों को समझा तो लेट अस से बच्चों एक टीम तुम्हारी कौन सी है ए टू के अरे हाँ या ना यस एवरीबॉडी दूसरी टीम कौन सी बस के हट गया बाकी किसी को डाल दिया अपन ने अरे हाँ समझ रहे कि नहीं समझ रहा है एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर देन बाद में एक दो को हटा दिया और कोई तो आगे बहुत सारे टीम बनेंगे बहुत सारे दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अब आईपीएल के टाइम जो भी प्लेयर्स को खरीदते लाखों करोड़ों में तो दे नीड टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन पर बेसिकली उनको पहले तो पता होना चाहिए ना कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अब बच्चे 16 के 16 प्लेयर के सब ऑलराउंडर रहते हैं क्या देन वी नीड टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बॉलर्स मिनिमम नंबर ऑफ डेडिकेटेड बैट्समैन एक विकेट कीपर तो चाहिए और बाकी के ऑलराउंडर यस क्लियर 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 तो ये भी आगे जाके तुम्हारे कितने और कंडीशन आएंगे समझा देन हाउ मेनी प्रॉपर टीम्स वी कैन मेक कि मेरे को 3 बॉलर चाहिए 3 बैट्समैन चाहिए बाकी 1 विकेट कीपर बाकी ऑलराउंडर समझा तो दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली विल बी देयर अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू देन वहां पे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कॉम्बिनेशन ओके ध्यान देना पे अटेंशन बट इफ एट ऑल यू फॉलो अगेन क्रिकेट
अगर मेरे 11 प्लेयर्स है पे अटेंशन और बैट वो बच्चों बैटिंग के लिए जाते हैं, कैन आई सेंड देम रैंडमली? स्टार्टिंग में दो लोग जाएंगे, फिर बाद में एक एक ही जाएगा ना, दो लोग थोड़ी में फिर दो लोग दो ओपनर्स हो जाएंगे जाएंगे, बट कैन आई सेंड देम रैंडमली आगे? कैसे जाएंगे वो लोग? पहले बैट्समैन नहीं जाएंगे ना बैटिंग करने के लिए, फिर ऑलराउंडर, फिर बाद में बॉलर. तो सीक्वेंस पे अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट? सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट? सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरे हाँ तुम्हारा टाइम टेबल कॉलेज का डेली देयर इज सम सीक्वेंस? रैंडमली कभी भी कोई भी टीचर आके लेक्चर लेके चलेगा क्या तुमको? आज ये 3 लेक्चर है, कब कौन कौन सा पता नहीं चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा. तुम्हारे एग्जाम का टाइम टेबल था ना, बट देयर वाज अ सीक्वेंस ऑफ द पेपर्स. बोले हाँ ये हफ्ते भर में पेपर है, कब कौन सा किधर. सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. तो देयर आर थिंग्स जहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. पिन कोड की बात की तुमको मैंने बताया, तो मैंने बोल भी दिया कि चलो ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है पिन कोड के, पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ऑब्वियसली है. अनुसार रिवर्ट डिलियर है ना, तुम पासवर्ड डालते हो इंस्टाग्राम पे रहेगा किधर भी रहेगा, तो अल्फाबेट्स है अल्टीमेटली वो. बट अल्फाबेट्स का बच्चों वहां पे इसलिए समझ रहे हैं इतना टफ क्यों करते हैं अभी हम लोग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? तुम अभी पासवर्ड बनाते हो इंस्टाग्राम का भी रहेगा कुछ भी रहेगा, जनरली वो लोग क्या कहते हैं कुछ पता रहेगा तो मिनिमम मान लो 8 डिजिट का तुम्हारा पासवर्ड होना चाहिए. हाँ या ना? 8 डिजिट नहीं, सॉरी 8 कैरेक्टर्स. यस, अब ध्यान दो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट कैन बी अल्फाबेट. कितने ऑप्शन है? 26 है कि नहीं? 26 तो ऑप्शन है. इट कैन बी बच्चों कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर. अरे हाँ या ना? इनटू 2. मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ. देन इट कैन बी डिजिट ऑल्सो. अरे हाँ या ना? कितने डिजिट और कैरेक्टर्स भी यूज करते हो? मैं वो लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो कैरेक्टर्स भी बहुत सारे यूज कर सकते हो, कितने मुझे भी नहीं पता. लेकिन कैरेक्टर समझता है ना, हैशटैग अंडरस्कोर वो सब कर सकते हो. यस क्लियर? प्लस उसके आगे रिपीटेशन इज अलाउड. अरे हाँ या ना? मतलब कितने हम लोग पासवर्ड्स बना सकते हैं. दैट्स व्हाई दे से कि ये टफ पासवर्ड है टू क्रैक. तुमने 2 डिजिट का बच्चों किया तो चलेगा क्या? इट कैन बी वॉच इजिली हैक्ड. अंडरस्टूड क्लियर? That is the reason they say make it a stronger password. Now you, I hope you understand कितना जा सकता है. Just तुम लोग ये try करके देखना कभी. कि अगर मैं ध्यान दो बच्चों, अगर मुझको 8 digit का भी करना है, pay attention. 4, 5, 6, 7, 8. अगर software ने ही बोला है कि 8 digit का minimum चाहिए, मतलब चाहिए. अपने पास option है क्या? नहीं है. Understood clear? अब repetition allowed है नहीं है? Allowed है. समझ repetition समझ रहे क्या? Just understand. सिर्फ पहले डिजिट के लिए मैं पहले तुम जो पासवर्ड में डाल रहे हो, आई हैव 26 अल्फाबेट्स इनटू 2, कौन सा स्मॉल एंड कैपिटल? हाँ या ना? ये तुम्हारा एक हो गया. प्लस मान लो हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव, 10 डिजिट्स है मेरे पास है. और कैरेक्टर से छोड़ दो, मैं कैरेक्टर से लिख भी नहीं रहा हूँ. हाँ या ना? तो ये तो मैंने बस मैंने कहाँ पे फोकस किया अभी? पहले पे यहां तक समझा तुमको. मैं बस जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर विच यू इनपुट फॉर पासवर्ड. हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? अल्फाबेट 26 हो गए, प्लस इनटू 2 किसके लिए बच्चों? कैपिटल या फिर स्मॉल? 26 और 26 52 बाबा, हाँ प्लस 10 62 ऑप्शन बच्चों मेरे पास अभी हो गए फॉर फर्स्ट डिजिट या फिर फर्स्ट लेटर के लिए. दैट ऑल्सो मैं लिख रहा हूँ विदाउट एनी स्पेशल साइन. अरे हाँ, रिपीटेशन अलाउड है. क्या होगा फिर? डुप्लीकेट होगा ना उधर, मतलब क्या उधर भी उतने ऑप्शन अलाउड है मेरे पास. अरे हाँ या ना? बच्चों वो चीजें क्या होंगी? रिपीट होंगी कि नहीं होंगी? अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना बच्चों? ओ नलायको, करेक्ट, जो तुम्हारे लिए है करेक्ट. और ये भी तुमको मैंने क्या बताया, मिनिमम मैंने किसको एक्सक्लूड किया यहाँ पे? स्पेशल कैरेक्टर्स को. इसलिए तो बोलते ना लोग कि टफ करो. समझा कि नहीं समझा? ओके, तुम अगर 8888 करोगे, सबसे सबसे सिंपल आई टेल यू, सबसे सिंपल आई टेल यू. कभी भी तुम कोई नए लोकेशन पे जाते हो, तुमको वाईफाई चाहिए. मैंने जुगाड़ किया मेरे घर पे, लोलाला में किया था. ओके,
कि मेरा वहां पे, मेरे वहां पे घर पे, खुद पे घर पे मेरे पास इंटरनेट तभी था नहीं, उनको तभी अर्जेंटली चाहिए था, बाजू वाले का इंटरनेट दिख रहा था मेरे को वाईफाई पे, है ना, मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया काम। जनरली लोग यूज इसका हॉटस्पॉट यूज कर सकते या फिर 1 2 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है कि नहीं, या फिर 1 2 8 या फिर कुछ ना कुछ नंबर रिपीट करते हैं हमेशा, सबसे पहले वो ट्राई करो ना, ऑब्वियसली यूज कॉमन सेंस। वो क्यों बोलते हैं कि भाई 8 डिजिट कम से कम करो प्लस ऑल दिस कॉमन यूज करो ताकि तुम सबसे बेस्ट पासवर्ड, टफेस्ट पासवर्ड क्रिएट करके रखो। हाँ या ना, तुम लोग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं, तुम्हारी ऊपर है कि कहाँ पे। तो क्रश का नाम डाल दो। ओके हो गया। और वाला ऑप्शन है ना, और का सही इस्तेमाल है। जैसे पड़ी तो जो क्रिकेट की बात हम लोग कर रहे थे बच्चों, किसकी टीम की, है ना, सो हाउ मेनी टीम्स कैन बी मेड इज वन क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स कैन बी मेड दैट इज वन क्वेश्चन। अब ध्यान दो, पे अटेंशन, हाउ मेनी टीम्स यू कैन मेक ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 16, उसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, यही 11 लोग आ गए हो गया, ये 11 लोग आ गए दैट इज वन टीम, ये हो गया दैट इज द आंसर। बट कौन खेलने जाने वाला है एज पर व्हाट सीक्वेंस, वहां पे जो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? यस क्लियर? तो ध्यान दो बच्चों, अगर 3 लोग है ए बी सी, ओके ए बी सी, तो हम बच्चों यहां से ध्यान दो, हमको 2 लोगों को चूज करना, कोई भी हमको 2 लोगों को चूज करना है, तो who all we can pick, मतलब क्या टीम बन सकती 2 लोगों की, टीम कपल नहीं बोला मैंने, टीम बोला, ओके व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, 3 लोग है एबीसी, हमको 2 लोगों को चूज करना है रैंडमली, ओके तो क्या क्या टीम या फिर क्या क्या हम टीम बना सकते, ए बी बी सी ए सी या फिर सी है, अब उसको बताओ ना, मैंने क्या बोला 2 लोगों को चूज करना है, मैंने चूज ए बी, अरे सुनो तो सही, मैंने चूज ए बी, वो साथ में तो आ गए ना, तो ए बी लिखा या बी ए लिखा कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ए एंड बी आर कपल, एंड बी एंड ए आर कपल, बात एक ही है ना, वहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या, ये तुमको जल्दी समझता है ना, बट ए बी का टूट गया जो भी रहेगा दैट इज वन ऑप्शन, बी सी आर कपल या सी बी आर कपल, बात एक ही है, ए सी आर कपल सी ए आर कपल, बात एक ही है, अरे हाँ या ना, ओके इन दैट केस डजंट मैटर, नो द सीक्वेंस is not important, clear to clear? तो यहाँ पे अपने पास पूछो वो टीम्स कितने बने, टीम्स ना कपल 3, this 1 2 3, हाँ या ना, बट अब ध्यान देना, if I say sequence is important, 3 लोग हैं और 2 लोगों को बच्चों जाना है खेलने के लिए मैच, one after another, तो मैंने बच्चों A के बाद B को भेजा या फिर B के बाद A को भेजा, पॉसिबल, अरे हाँ या ना, बी के बाद सी को भेजा या फिर सी के बाद बी को भेजा खेलने को, अरे समझ रहे कि नहीं, या फिर लास्ट ऑप्शन ए के बाद सी को भेजा या फिर सी के बाद ए को भेजा खेलने के लिए, व्हेन ओनली वन प्लेयर कैन प्ले एट अ टाइम, मेरे पास 3 लोग अवेलेबल है, कुछ भी मैच खेल रहे हैं, वो मुझको नहीं पता क्या मैच खेल रहे हैं, बट ओनली वन प्लेयर विल गो एट अ टाइम, तो समझा कि नहीं एवरीबॉडी? यस क्लियर? द टीम इज ऑफ 2 बट इन दैट केस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, तो कितने ऑप्शन बने अपने पास, 6। नाउ इन दिस केस बच्चों क्या हो रहा है, इज ए बी एंड बी ए आर सेम थिंग, नहीं ना, अरे अलग पकड़ना उसको, सीक्वेंस अलग है तो पर वो चीज भी तो अलग है, तुम पहले खाना खाने गए और फिर बी खाना गया, या फिर पहले बी खाने गया उसके बाद ए गया, उसमें फर्क है कि नहीं है, बेचारे सेकंड वाला इज डिपेंड ऑन फर्स्ट वाला, कुछ बचा कुछ छोड़ दिया रहेगा तो, आया ना, तुम और तुम्हारा भाई बहन कुछ भी रहेंगे, तुम सेकंड गए कुछ नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सा मिलेगा है कि नहीं, समझा कि नहीं, तुम घर पे लेट पहुंचे और घर पे स्वीट्स था तो थोड़ा सा आधा बचा रहेगा, थोड़ा सा उसकी कुछ दया रहेगी तो फर्क पड़ता है कि नहीं, यस, पर दोनों लोग अगर एक साथ खाने गए
एक कोई और ही है ना, आइसक्रीम खाने गए, एक सिंगल आइसक्रीम, दो लोग साथ में खा रहे, तो बच्चों हाँ यहाँ पे इट इज सेम, एक स्पून तूने खाया एक स्पून तूने खाया, मतलब ए बी बी ए आर व्हाट सेम थिंग, क्लियर क्लियर? अरे हाँ या ना, तो व्हाट वी लर्न्ड आज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्शन या फिर कंपल्शन. ऑप्शन है तो हम लोग यूज करते हैं, और कर दे तो ऐड करते, ऐड और किया तो एडिशन करते हैं, ऑप्शन नहीं मतलब कंपल्शन तो उसमें क्या करते हैं एंड, और एंड किया तो मल्टीप्लाई. यस क्लियर? हो गया बस ठीक है, चलो जाओ. चलो ठीक है, विल गो एड, ये चैप्टर को बहुत टाइम लगेगा तो पेशेंस रखना, ठीक है? क्या क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बाय बाय. बाय बाय ऑनलाइन. चार लोग थे, कोई नहीं, एक टोटल टोटल चार लोग थे, तो दो तो मेरे अकाउंट आराध्य और वो ये बड़बड़ गड़बड़ का नाम क्या था, और वो इसकी